स्टार स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से रिलेटेड है, जिसे शॉर्ट में नेम BEE के नाम से जानते हैं। तो ये सिलेबस पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है और इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे और लॉन्ग परीक्षा भी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और इससे रिलेटेड मैं टेक्नोलॉजी वीडियो भी अपलोड करता हूँ, उसका भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जो BEE के शॉर्ट नेम है, चैप्टर 3 है, वोल्टेज एंड करंट सोर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोर्स होता है क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊष्मा को गतिज ऊर्जा को उपयोग सभी होते हैं। तो सोर्स वही होते हैं जो ऊर्जा को प्राप्त करने करते हैं, मतलब ऊर्जा प्राप्त करता है, किसी भी ऊर्जा को किसी में भी परिवर्तित करते हैं उसको ही सोर्स करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन नंबर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वोल्टेज सोर्स क्या उत्पन्न करता है, क्या कार्य करता है? वोल्टेज सोर्स वो हमेशा EMF का कार्य करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, विद्युत वाहक बल का कार्य करता है। और करंट सोर्स में हमेशा करंट का ही कार्य करेगा, करंट सोर्स में। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का बी होगा, करंट का कार्य करेगा करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोर्स तो आप तो जानते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स, तो दो ही होते हैं। तो दो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सोर्स दो प्रकार के होते हैं और इनका दो दो होते हैं, जो पोटेंशियल और आइडियल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज नियत रहता है, हाँ या नहीं, या प्रतीत होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर होगा हाँ, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज नियत रहता है, और वोल्टेज सोर्स में करंट पर निर्भर रहता है, करंट निर्भर पर रहता है कि नहीं रहता है वोल्टेज सोर्स, इसको आपको बताना है हाँ नहीं थोड़ा बहुत उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त, करंट पर यह निर्भर नहीं रहता है वोल्टेज सोर्स, हमेशा वोल्टेज पर नियत रहता है, जो कॉन्स्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कॉन्स्टेंट एंड करंट पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो जो मतलब वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कॉन्स्टेंट एंड करंट पर निर्भर नहीं रहते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आइडियल वोल्टेज के, पोटेंशियल के, वोल्टेज सोर्स का, नॉल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा आइडियल वोल्टेज कहते हैं, आइडियल वोल्टेज में जितना वोल्ट देंगे उतना ही प्राप्त होगा, इसलिए इसको आइडियल वोल्टेज कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइडियल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कि नहीं होती है? जब जितना जानते हैं कि जितना वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज प्राप्त होगा, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो शून्य होगी, इसलिए तभी तो मिल रहा है, जितना वोल्टेज आप दे रहे हो उतना ही मिल रहा है। इसकी क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा सी, शून्य होगी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोटेंशियल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा अनंत होता है, ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज में अनंत होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें मतलब पोटेंशियल वोल्टेज में ये होता है, जितना वोल्टेज आप देते हैं उतना वोल्टेज मिलता नहीं है, कुछ कम मिलता है जितने देने से, मतलब इसका होगा आउट इनपुट एनर्जी माइनस आउटपुट एनर्जी, जितना आप देते हैं उसमें से जितना प्राप्त कर देंगे, इसकी पोटेंशियल वोल्टेज में ऊर्जा की मतलब जो नष्ट हुई होती है उसके पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पोटेंशियल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कि नहीं होती है? वही बात है, पोटेंशियल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अनंत होता है। तो पोटेंशियल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस रहने से क्या परिवर्तन होता है? इसमें आपका राइट आंसर होगा टर्मिनल वोल्टेज, इसका ये राइट आंसर टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तन होता है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज इसे कहते हैं, जो तो खुटिया रहती है उसी में वोल्टेज जो आएगा आपका वो कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके क्या कह रहा है, वोल्टेज सोर्स का उदाहरण बताइए। वोल्टेज सोर्स का उदाहरण क्या होगा? इलेक्ट्रिक मशीन होगा, बैटरी या ट्रांसफार्मर या इंडिकेटर। इसका राइट आंसर होगा बी, बैटरीज का उदाहरण एक और होता है अल्टरनेटर, ठीक है, इसका उदाहरण बैटरी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आइडियल करंट सोर्स से जुड़े लोड रेजिस्टेंस को धारा प्रदान करता है, कम करता है, अधिक करता है, बराबर करता है, विरोध करता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आइडियल करंट सोर्स में आइडियल जब जुड़ जाएगा तो जितनी हम लोग करंट देंगे उतनी ही हमें धारा प्राप्त होगी,
मतलब करंट सोर्स से जुड़े लोड रेजिस्टेंस को धारा प्रदान करता है, जितने हम लोग देते हैं उतना ही प्रदान करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सी होगा, बराबर प्रदान करता है। आइडियल करंट सोर्स, फिर आइडियल करंट सोर्स में आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आइडियल में पूछ रहा है, जितना दे रहे उतना ही प्राप्त हो रहा है। इसका भी ये आइडियल करंट सोर्स का अनंत ही होगा जब ये करंट गुजर रहा है, वो वोल्टेज पूछ रहा था, इसमें करंट पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनंत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पोटेंशियल करंट सोर्स में आइडियल करंट सोर्स से दिखाने, मतलब पोटेंशियल को आइडियल में चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस हमेशा किस क्रम में लगा रहता है, तो इसका हमेशा रेजिस्टेंस भी समांतर क्रम में पैरेलल मतलब श्रेणी में लगे रहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, समांतर क्रम में। आइडियल करंट सोर्स को चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे डिनोट करते हैं आइडियल करंट सोर्स को, तो आइडियल करंट सोर्स को इस सर्किल द्वारा तीर द्वारा का एरो से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पोटेंशियल करंट सोर्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, पोटेंशियल करंट सोर्स को चाहिए गोला वाला तो आपका हो ही गया, ये होगा कि ये होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, ये आयत की तरह बनता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और एरो दिखाकर, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स का चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडियल पूछ रहा है। ठीक है, आइडियल चिन्ह प्रॉपर्टी का सोर्स आपका ये रहेगा, गोला बनाकर प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स का चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है, ये गोला वाला तो आपने बता ही दिया, ये बचा है, इसका डेफिनेटली आपका राइट आंसर और क्वेश्चन नंबर 18 का बी होगा, इससे डिनोट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी, जो पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स का चिन्ह प्रॉपर्टी इस तरह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, करंट सोर्स का एग्जांपल बताइए, उसमें वोल्टेज सोर्स का बैटरी बताया, तो इसमें देखिए बैटरी दिया, अल्टरनेटर हो गया, ये दोनों वोल्टेज सोर्स हैं, तो इसका आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी, इलेक्ट्रिक सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल आपका करंट सोर्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलने पर होता है, मतलब वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में बदलेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी आर आई, आई इज इक्वल टू आर आई अपन वी, क्या आई इज इक्वल टू वी अपन आर आई, क्या वी इज इक्वल टू आई अपन आर आई। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी, आई इज इक्वल टू वी अपन आई आर आई, आर आई आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वी आपका वोल्टेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लोड रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल है, इसे आप लोग जानते ही होंगे, तो लोड रेजिस्टेंस आर एल, तो आर एल इसमें देखिए कहाँ है, ये है आर एल। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं आर एल से, कभी भी आर बड़ा रहता है और एल स्मॉल में रहता है उसी के किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने आपके लिए बनाया है, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं किसका राइट आंसर क्या होगा, लोड करंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को काफ़ी समझ में आया होगा तो वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। चलिए।